राहुल गांधी, कांग्रेस और शरद पवार, सबको पीएम मोदी ने खरी खरी सुनाई। महाराष्ट्र के नासिक में हुई बीजेपी की रैली में पीएम मोदी ने कश्मीर और आर्टिकल 370 पर खुलकर न सिर्फ बात की बल्कि विपक्ष की धज्जियां भी उड़ा दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के बयान का इस्तेमाल पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में कर रहा है। वीर सावरकर को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें राष्ट्रवाद संस्कार उन्होंने दिए हैं। पीएम ने कहा कि विपक्ष को आर्टिकल 370 के फैसले से दिक्कत हो रही है, लेकिन पूरा देश इस फैसले पर एकजुट है। कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने सरकार का सहयोग नहीं किया। पीएम मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस का कंफ्यूजन तो समझ में आता है, लेकिन शरद पवार जैसे अनुभवी नेता कुछ वोट के लिए गलत बयानबाजी करें तो दुख होता है। शरद पवार को पड़ोसी देश अच्छा लगता है, यह उनकी मर्जी है। वहां के शासक कल्याणकारी लगते हैं, लेकिन यह पूरे देश को पता है कि आतंक की फैक्ट्री कहां लगी है। सरकार के 100 दिन पूरे होने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के काम में चार भी है और रफ्तार भी। हमारी सरकार के पहले शतक में नए भारत की झलक है। पीएम मोदी ने अपनी तरफ से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बिसात बिछा दी और अपनी दाव भी चल दी। अब मुश्किल कांग्रेस और एनसीपी के सामने है कि पिछले दिनों के अपने बयानों से वह पलटे तो कैसे। जब तक ऐसा कुछ वे करते नहीं, तब तक वोट की उम्मीद जनता से करना एक तरह से बेमानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।